हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। बहुत सारे वीडियो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ जो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे फेक न्यूज फैला रहे हैं, बता रहे 1 अगस्त को वापस आएंगे, 15 अगस्त को वापस आएंगे। तो क्या ये रियलिटी है या फिर फेक न्यूज है, इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से वाले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपको पता है कुछ टाइम पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक के साथ साथ 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया। बैन करने के बाद टिकटॉक एप्लीकेशन और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। इन टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में आने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सारे कोशिश नाकामयाब हो रहे हैं। इसलिए टिकटॉक एप्लीकेशन बिकने के कदार में आ चुके हैं और टिकटॉक को पाकिस्तान और अमेरिका ने भी वार्निंग दे दिया है, बहुत ही जल्द टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा। यही देखते हुए टिकटॉक ने फैसला लिया है टिकटॉक एप्लीकेशन को बेच दिया जाए। और फाइनली सुनने में आ रहा है टिकटॉक एप्लीकेशन अमेरिका के एप्पल कंपनी ने इसे खरीद लिया है। इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने के बाद यह एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। तो क्या यह एप्लीकेशन इंडिया में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? टिकटॉक एप्लीकेशन मॉडिफाई होने के बाद इसका डाटा सेंटर जो है अमेरिका में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद इस एप्लीकेशन को सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा, फिर इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है अमेरिका और पाक इंडिया में काफ़ी अच्छे संबंध है, इसलिए इंडिया में भी टिकटॉक एप्लीकेशन एन बैन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ये भी सोच रहे हैं मॉडिफाई होगा, फिर डाटा सेंटर चाइना से अमेरिका शिफ्ट किया जाएगा, तो जो हमारा फैंस फॉलोवर है रहेगा या फिर हट जाएगा, या फिर जीरो से हमें फिर से स्टार्ट करना होगा? अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को यही है, जो भी आपको फैंस फॉलोवर थे वो आपको वापस आ जाएंगे। टिकटॉक की तरफ से कोई भी न्यू अपडेट नहीं आया है जिसमें बताया गया है कि 1 अगस्त को वापस आ रहा है या फिर 15 अगस्त को आ रहा है। जितने भी वीडियो इस तरह के आप देख रहे हैं सारे के सारे फेक वीडियो है। टिकटॉक वापस इंडिया में कब तक आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल क्रिएट हो रहा है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, टिकटॉक की तरफ से अभी न्यू अपडेट नहीं आया है और यहाँ पर टाइम लग सकता है 1 महीने 2 महीने, कितने टाइम लगते हो फिक्स नहीं है, क्योंकि डाटा सेंटर अमेरिका में शिफ्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, और इसके बाद इसे मॉडिफाई करने में भी टाइम लगेगा। इसके बाद टिकटॉक एप्लीकेशन को अनबैन किया जाएगा, तो यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं किया गया है, तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को क्या कहना है, टिकटॉक इंडिया में बैन होना चाहिए या फिर अनबैन होना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।